अभी सबसे बड़ा गौ माता को निभाने के लिए जो प्रश्न आता है वो चारे के बारे में आता है। तो मैं आज चारे के बारे में, एक गौ माता ने हमारे पे कृपा करी है, वो मैं बताना चाहूंगा कि आज का विज्ञान साल में किसान को चार बार खर्च करवाता है कि भाई एक बार आप समझ लीजिए कि जवार लगाया, एक बार आपने रचका लगाया, एक बार आपने मक्का लगाया स्वीट कॉर्न, तो ये सब चीज ना फोर टाइम्स उनको सीड का खर्च होता है, बीज का खर्च होता है। चार बार उनको कल्टीवेशन का डीजल का खर्च होगा, चार बार उनको लेबर का खर्च होगा, तो हमेशा खर्च खर्च खर्च। तो इसीलिए किसान को हमेशा महंगा पड़ता है और गौ माता को रख नहीं सकते। तो हम करीबन 5 साल से अभ्यास कर रहे थे, अलग अलग गांव अलग अलग गौचर में से हम 35 से 40 प्रकार के घास लेकर के आए। हमने खुद का अपना गौचर बनाया, उसके अंदर गौचर में से जो गौ माता ने सिलेक्शन किया खाने के लिए, तो वो हमने ऑब्जर्व किया और वो जो गौ माता ने खाना खाया उसका हमने स्पेशली खेती करने का कोशिश किया। तो खेती करने के लिए हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि हम सोच भी नहीं सकते। ये झिंझुआ वेराइटी, हमने 15 प्रकार के झिंझुआ थे, उसमें से 4 प्रकार के झिंझुआ गौ माता ने सिलेक्शन किया। तो वो लगाने के बाद पहला कटिंग उसका 2 महीने में आ जाता है, उसके बाद में उसका हर एक कटिंग हर 20 दिन पे आ जाता है, और ये घास लगाने के बाद 30 साल तक जाती नहीं है। एवरी 20 डेज पे आप कटिंग लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो कहां अपने पूर्वज ने क्या बीज छोड़ के गए और आज अपन कौन सा विज्ञान पकड़ रहे हैं। और सबसे इसका जो बड़ा फायदा है मित्रों, ये फायदा है कि इसको आप चाफ कटक करने की भी जरूरत नहीं है, इसको हरा भी खिला सकते और सूखा भी खिला सकते। और उससे बड़ा फायदा जो इसका है वो ये है कि ये खाने के बाद 10 से 15% दूध बढ़ जाता है, और इसका प्रोडक्शन इतना हाई लेवल पे लेते हैं हम कि समझ लीजिए कि यहाँ पे हम सिर्फ 7 एकड़ में से 180 गौ माता को निभा रहे, जो भारत का नहीं विश्व का हाईएस्ट प्रोडक्शन है, और वो भी ऑर्गेनिक, कि गौमूत्र गोबर दिया अंदर और ये डाल दिया बात खत्म। तो ये डालने के बाद हमको सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है और हम चाहते कि पूरे भारत में ये फैले। करीबन अभी 1200 गौशालाएं वेटिंग में, हम सबको ये मुफ्त दे रहे और 300 गौशाला में ऑलरेडी जा चुका है, और हम चाहते कि हर एक गौचर में ऐसा ऐसा बीज लगा हो और सब लोग का गौ माता का 80% खर्चा कम हो जाता है। और ये खिलाने के बाद खल का हमने प्रोपोर्शन है वो आधा कर दिया, जो कॉन्सेंट्रेट फीड करते हैं वो आधा कट करने के बाद भी आज दिन का उनका दूध बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और जब भी ये चारा हम कम कर देते दूध कम हो जाता है। तो ये चारा दुनिया का श्रेष्ठ फूड है जो गौ माता ने खुद के लिए सिलेक्शन किया है। तो सब लोग मिलके इसको आगे चले, और इसको हम झिंझुआ कहते हैं। झिंझुआ को इंग्लिश का बॉटनिकल नेम तो हमको पता नहीं है क्या होना है, लेकिन हमारे पूर्वज सालों से इसके बारे में गाना भी गाते थे। और ये 15 टाइप की वेराइटीज होती है, इसमें से 4 टाइप की वेराइटीज है, किसी में कार्बोहाइड्रेट वधु है, किसी में प्रोटीन्स ज्यादा है, तो सब चीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन करके एक सुपर फूड कह सकते हैं जो गौ माता के लिए है। जो हमको गौ माता ने दिया है वो हम पूरी दुनिया को अभी भारत में हर एक जगह पे फैलाना चाहेंगे। तो ये घास लगाने के बाद आपके गायों में एक साल में कोई डिजीज या कुछ नहीं? ये डिजीज बिल्कुल कम रहेगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये सुपर फूड है, सिर्फ खाने के लिए सुपर फूड नहीं है, उसके हेल्थ के लिए भी सुपर फूड है। जैसे कि इसकी प्रकृति ठंडी है तो उसको दूसरा बच्चा देने के लिए भी टाइम पे होगा, इसका खाने की ठंडक है तो दूध में भी वो गुण उतरेगा तो इंसान में भी हो जाएगा। तो इसकी जो ना आज का विज्ञान कहता है कि आप ल्यूशन खिलाओ रचका खिलाओ, तो हम कहते हैं कि 60 साल पहले सिर्फ ये तो बैल और घोड़े को ही खिलाया जाता था, तो उसकी प्रकृति गर्म है, तो उसको समय समय पे उसकी साइकिल मेंटेन करने के लिए और उसका दूध बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है, वो हमको जो नजर में आई है। ग्रेट ग्रेट ठीक है।